दोस्तों आज हम जा रहे हैं पहल के स्कूल। उसके ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, वो टेस्ट को सबमिट करने के लिए टीचर ने बुलाया था। तो अभी हमें 11 बजे तक पहुंचना है और आपको साथ में मैं गोवा की सैर भी कराता हूँ नॉर्थ गोवा की बाइक से। देखो सड़कें कैसे खाली हैं इस समय और आगे भी जो मेन मार्केट है उसकी सड़कों का क्या हाल होगा। क्योंकि दोस्तों ये सब बहुत ही क्राउडेड एरिया है गोवा का, नॉर्थ गोवा का। ये सबसे मेन रास्ता है, जितने भी रशियन बीच है वहाँ पर जाने का ये इकलौता रास्ता है। आरंबोल बीच, मैंड्रेम बीच, मोरजिम बीच, तो ये रास्ता इस समय खाली है। तो इसका मतलब आप समझ लो कि क्या सिचुएशन होगी। यही रास्ता पंजिम वागाटर वाली साइड से आते हुए ये अभी आगे सियोलिम में जाएगा और सियोलिम से रशियन बीच की तरफ। ये थलासा है गोवा का मेन पार्टी पॉइंट। तो ये रास्ते बता रहे इस समय गोवा की करंट सिचुएशन क्या है। टूरिस्ट बहुत ही कम है इस समय और मौसम अच्छा है, अभी कोई बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। रात को हल्की फुल्की ठंड हो जाती है। काम नहीं, वही साफ सफाई चल रही होगी बस। ऊपर की झाड़ियाँ वाड़ियाँ काट दी होंगी ना। बाकी पता नहीं, पहाड़ों में को भी काट काट के यहाँ पे लोग अपने रिजॉर्ट वगैरह बना रहे हैं, तो हो सकता है उसको वो भी इनका इरादा हो। गोवा का भी नेचर डिस्टर्ब तो हो ही रहा है। जिधर हम जा रहे हैं इस साइड में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है नज़दीक में और मेरे स्कूटर का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। सुई बिल्कुल लास्ट में दिखा रही है। उस तरफ तो है पेट्रोल पंप, ये सियोलिम वाली साइड में दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। वही ख़रीदना पड़ेगा, वो जो अगर ख़त्म हो गया बाई चांस तो वो जो बॉटल्स बेचते ना वो 1 लीटर वाली बॉटल्स 120 रुपये लीटर। ये क्या बनाया है? कुत्ता है कोई? ये सियोलिम में सियोलिम का चर्च, क्या नाम है इस चर्च का? सेंट एंथनी चर्च है ये सियोलिम का। विवा सियोलिम, साओ जाओ। दिल्ली में भी मैं 1-2 बार चर्च में गया हूँ। जो कनॉट प्लेस के पास में चर्च है ना, कनॉट प्लेस में गोल डाकखाने के पास एक चर्च है। 25 दिसंबर को मैं एक बार गया था, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। बनाया इसका वीडियो, आते टाइम इसका पेट्रोल पंप का वीडियो बनाना। मैं अभी तो वीडियो में ये कह रहा था कि यहाँ पे पेट्रोल पंप ही नहीं है और आज ही नए पेट्रोल पंप का उद्घाटन हो रहा है। अब इससे जो पेट्रोल बेचने वाले हैं उनको नुकसान होगा ना, क्योंकि इधर पूरे इलाके में कोई पेट्रोल पंप नहीं था। देख बैंक के बाहर भी कितनी भीड़ है। अभी क्या है, वो लोग पेट्रोल कम से कम कितना 22-23 रुपये ऊपर बेचते थे, तो 10-12-15 रुपये लीटर उनको मिल जाता था। पर अब ये पेट्रोल पंप सियोलिम में भी खुल गया। उधर की तरफ तो था वागाटर में, इधर से जाने वालों को इन्हीं से खरीदना पड़ता था। बेचने वालों का नुकसान है, खरीदने वालों को फायदा है। जितनी जा रही है ये सब वो है जो रेंट पे हायर करी जाती है, जितनी भी येलो नंबर प्लेट की बाइक है, बाइक हो कार हो।